हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय वर्जन ऑफ इट। आज हम एक और क्वारंटाइन फ्रेंडली रेसिपी लेकर आए हैं क्योंकि हम एक ही तरह की दाल और सब्जियां खा खा के बोर हो गए हैं, तो सोचा आज कुछ नया बनाया जाए। आज हम बनाएंगे मूंग दाल की वड़ी, जो कि आप इंस्टेंटली बनाएंगे। इसे आपको सुखाने या बेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम वड़ी बनाने का एक लुक ले लेते हैं, इसके बाद हम ग्रेवी बनाएंगे। सो सबसे पहले वड़ी बनाने के लिए मैंने आधा कप मूंग दाल लिया है, जो कि बिना छिलके का है। आप इसे पानी में सोक कर लें 2 घंटे के लिए, उसके बाद पानी को रिमूव कर दें और इस तरीके से ये दाल फूल जाएगी। इसके साथ ही मैंने आधा टी स्पून नमक लिया है, आप देख सकते हैं, और साथ ही 1 पिंच, एक छोटा सा पिंच हींग का लिया है, 2 पिंच रेड चिली पाउडर लिया है यानी कि लाल मिर्च पाउडर, 1 पिंच काली मिर्ची पाउडर, 1 पिंच हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर। आप चाहें तो इसे नींबू के रस से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ये और टोटली ऑप्शनल है। और साथ ही 1/4 टीस्पून जीरा लिया है। इसके साथ ही मैंने एक हरी मिर्च ली है और आधा इंच अदरक का टुकड़ा। इसमें आप मिर्ची का रेशियो कुछ भी ले सकते हैं, आप चाहे तो हरी मिर्ची ज़्यादा लेकर लाल मिर्ची पाउडर को हटा सकते हैं, या फिर आप हरी मिर्च नहीं लेना चाहते तो लाल मिर्च पाउडर को एडजस्ट कर सकते हैं। इसे ही आप नमक भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। तो सबसे पहले हम मूंग दाल को मिक्सर ग्राइंडर में लेकर और सारे स्पाइसेस हरी मिर्च और अदरक डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। पेस्ट नहीं बनाना है, जस्ट इसे कोर्स ग्राइंड करना है ताकि अच्छे से स्टीम हो सके। इसमें हम एक स्पेशल टिप देना चाहते हैं, यदि आपका मूंग जो ग्राइंड कर रहे हैं आप बहुत रनी हो जाए या बड़ी फॉर्म में नहीं आ पाए, तो आप इसमें 1 टेबलस्पून बेसन डाल दें। बेसन आप तभी डालें जब आपका बनाया हुआ कोर्स बेटर काफ़ी गीला हो जाए, अदरवाइज आपको बेसन नहीं डालना है। सो मैंने ग्राइंडर में मूंग दाल ले लिया है, इसके साथ ही मैं इसमें सारे स्पाइसेस भी ऐड कर दूंगी, साथ में ग्रीन चिली। इसे कोर्स होने तक ग्राइंड कर लेंगे। आप देख रहे हैं मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला है, पानी तभी डालना है जब आपको थोड़ा जरूरत पड़े, वो भी आप 1-1 चम्मच करके डालिए। इसे मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, कोर्स ग्राइंड किया है, आप देख सकते हैं। बहुत रनी नहीं होना चाहिए, नहीं तो बड़ी ठहरेगी नहीं स्टीम करने के लिए। आप चाहें तो एक बार चम्मच से छोटा सा लेके एक छोटा सा फॉर्म करके देख ले वड़ी कि बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये रनी है तो ही आप इसमें बेसन डालें। आप चाहें तो इसमें हरी धनिया काट के डाल सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं। इसकी हम वड़ी स्टीम कर लेंगे। वड़ी को स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे खमंड और इडली वाला पॉट लिया है। मैंने यहाँ प्लेट के बजाय एक ट्रे लिया है जो कि काफ़ी छेद वाली है, इसमें स्टीम अच्छा बनता है। आप चाहे तो खमंड इडली या कोई भी पॉट में बना सकते हैं। इस पॉइंट पे आप एक बार नमक और मिर्च चेक कर लें कि बैटर में बैलेंस्ड है या नहीं। बस इसे ऑन करके आप उसके बाद आप स्टीम बनने के लिए ऑन कर लें। मैंने पानी पहले से डाल दिया है और साथ ही मैं आप किसी भी साइज़ की वड़ी डाल सकते हैं, या आप इसमें मीठा सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है। आप चाहें थोड़ा तेल भी डाल सकते हैं। पॉट छोटा होने के कारण मैं आधा बैटर ही यूज़ कर सकती हूँ, आप चाहे तो 2 ट्रे एक साथ रख सकते हैं। इसे हम 10 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। इस रेसिपी की ब्यूटी ये है कि आप इसके लिए कोई भी दाल यूज़ कर सकते हैं, आप मसूर दाल यूज़ कर सकते हैं, आप चना दाल यूज़ कर सकते हैं, साथ ही आप राजमे की भी वड़ी बना सकते हैं। क्योंकि हमने मूंग लिया है जो कि प्रोटीन का एक पैक होता है, इसमें प्रोटीन काफ़ी सारा होता है प्लस विटामिन बी बहुत सारा होता है। ये डायबिटिक फ्रेंडली होता है और साथ ही ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और वेट लॉस में हेल्प करता है। इसके साथ ही ये सुपर डाइजेस्टिव होती है और बहुत ही ईजी होती है बनाने में, इसलिए हम यहाँ मूंग बीन का यूज़ कर रहे हैं। 10 मिनट के बाद आप इसे एक बार चेक कर लें फोर्क या चाकू की हेल्प लेकर कि ये स्टीम हो गई है कि नहीं। देख रहे हैं रॉ नहीं है, हमारी वड़ी अच्छे से स्टीम हो चुकी है। आप इसे चाहे तो ऐसे ही सीधे ग्रेवी में डाल सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोग इसे तला हुआ खाना पसंद करते हैं। आप थोड़ा तेल लें और इसमें इस वड़ी को गोल्डन ब्राउन होने तक तल लें, लेकिन मैं इसे हेल्दी वर्जन बनाना चाहती हूँ, इसलिए हम इसे ओवन में बेक कर लेंगे 20 मिनट्स के लिए।
इसके लिए मैं इसमें करीब 1/4 टीस्पून ऑयल डालूंगी, अच्छे से मिक्स कर लूंगी। उसके बाद एक ट्रे में वड़ी को मैं ट्रांसफ़र करके ओवन में बेक कर लूंगी। बेक होने के लिए वड़ी को हमने ओवन में रख दिया है। ओवन से निकालने के बाद हम इसे सीधे सब्जी में डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसे स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि आप इसको 1 या 2 दिन बाद भी बना सकते हैं। तो ग्रेवी के लिए इंग्रेडिएंट्स का एक लुक ले लेते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटा टमाटर चॉप कर लिया है, एक छोटा प्याज चॉप कर लिया है, साथ ही 3-4 कली लहसुन की है जिसे मैंने चॉप कर ली है। इसके साथ ही फ्रेश धनिया जिसे हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, मैंने पीनट ऑयल लिया है। इसके साथ ही 1 बे लीफ, आप चाहे तो करी लीव्स भी ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून राई ली है, 1/2 टीस्पून जीरा लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है। नमक को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, और साथ ही ये भी ध्यान में रखिए कि मूंग की वड़ी में भी हमने नमक डाला है। 1 टीस्पून कसूरी मेथी ली है, आप इसे बारीक क्रश करके डाल दें। सो लेट्स बिगिन द तड़का। सबसे पहले आप कढ़ाई को गर्म रख लें। गर्म होने के बाद आप इसमें तेल डाल दें। आप चाहे तो इसी तेल में वड़ी को गोल्डन ब्राउन होने तक क्रिस्प करके निकाल सकते हैं और फिर वापस उसी में ही तड़का आप लगा सकते हैं। ऑयल के गर्म होते ही आप सबसे पहले बे लीफ डाल दें उसमें, उसके बाद राई और जीरा डाल देंगे। आप चाहे तो हींग भी डाल सकते हैं। राई और जीरा जब अच्छे से तड़कने लग जाएगा फिर हम इसमें जल्दी से लहसुन डाल देंगे और साथ ही प्याज भी। मैंने ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं किया है। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लें। प्याज के लाइट ब्राउन या ट्रांसल्यूसेंट हो जाने के बाद हम इसमें ये सभी मसाले डाल देंगे जो कि हैं नमक, लाल मिर्च, हल्दी या धनिया पाउडर, गरम मसाला और कसूरी मेथी, ताकि अच्छे से भुन जाए। मसालों के डालते ही एक बहुत अच्छी सी एरोमा आती है, इससे आपको पता चल जाता है कि मसाले अच्छे से भुन गए हैं। उसके बाद आप इसमें टमाटर डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। जैसे ही टमाटर गलना शुरू कर दें आप इसे कम आंच पर 5 मिनट के लिए ढककर रख दें। जब टमाटर अच्छे से मेल्ट हो जाए तो आप इसमें करीब 1.5 कप पानी डाल दीजिए। पानी मैं आपको पहले बताना भूल गई थी, और इसमें एक अच्छा उबाल आ जाने दें। इसे फिर से ढक दें 5 मिनट के लिए। मीनवाइल आपकी बड़ी ओवन से बाहर आ चुकी है, आप देख रहे हैं काफ़ी गोल्डन ब्राउन है। अगर थोड़ी देर और रखते तो आप ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाती है। इसे आप ऐसे ही स्नैक्स के तौर पर टी के साथ या ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। जब भी ग्रेवी अच्छे से उबल जाए तो आप इसमें वड़ी डाल दीजिए। फिर से एक बार दोबारा ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे धीमी आंच पर। इसे और टेस्टी बनाने के लिए आप चाहे तो इसमें 1 टेबल स्पून टमाटो केचप डाल दें। ये टोटली ऑप्शनल है, बट इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। और अच्छे से मिक्स करके एक बार फिर से ढक के रख दें ताकि वड़ी में मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। इस पॉइंट पे आप एक बार पानी भी चेक कर लीजिए, क्योंकि वड़ी डालने के बाद पानी थोड़ा कम हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा और थिन ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें पानी डाल दें और एक बार फिर से ढक दें, और 10 मिनट बाद हम गैस बंद कर देंगे। 10 मिनट के बाद आप सब्जी को खोल लें और गर्म ही परोसे देख रहे हैं काफ़ी तरी आ गई है। इसके साथ ही आप इसमें धनिया को तोड़कर या काट कर डाल दें और इसे गर्म रोटी, फुलके, पूरी या फिर पराठे के साथ सर्व कर दें।
ऐसी ही हेल्दी क्विक और इजी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो कि है माय वर्जन ऑफ इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।